हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी बढ़िया हैं, मस्त हैं और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तो आज हम रिवाइज करेंगे हमारे टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इससे एक या दो क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे लेक्चर को। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारे पास में, हमको ये एक्सप्रेशन दे रखा है x इज इक्वल टू ए पी अपॉन 1 प्लस बी पी। यहाँ पर x आपका है अमाउंट ऑफ गैस एड्जॉर्ब्ड पर ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट। ठीक है, 1 ग्राम ऑफ एड्जॉर्बेंट पे कितना गैस एड्जॉर्ब हुआ है, ये है हमारा x। ओके, और p यहाँ पर प्रेशर है, p हमारा गैस का प्रेशर है, जिस प्रेशर पर गैस एड्जॉर्ब हो रही है एड्जॉर्बेंट पर। ठीक है, a और b हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर पर एक्स का एक्सप्रेशन क्या होगा, मीन्स ठीक है, तो इन दोनों कंडीशंस पे आपको एक्स का एक्सप्रेशन बताना है यहाँ पे कैलकुलेट करके। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए, व्हेन प्रेशर आपका लो है, ठीक है ना, प्रेशर अगर लो है तो 1 प्लस बी पी को क्या लिख सकते हैं, 1, बिकॉज ये प्रेशर लो है तो इस टर्म को, बीपी को हमने नेगलेक्ट कर दिया। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम रखें तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, एपी अपॉन 1, मतलब एपी। ठीक है, ये हमारा लो प्रेशर पर हो गया। ठीक है, और अगर हाई प्रेशर रखते हैं, व्हेन प्रेशर इज हाई, अगर प्रेशर हाई है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तब क्या होगा, तो उस कंडीशन पे आपका 1 प्लस बी पी नियरली इक्वल टू क्या होगा, बीपी। बिकॉज इस टाइम क्या होगा, जो प्रेशर वाला टर्म है बीपी, ये आपका काफ़ी ज़्यादा होगा, तो 1 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो 1 प्लस बी पी कैन बी रिटर्न एज बीपी। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें इस एक्सप्रेशन को, तो एक्स को क्या लिख सकते हो, एपी अपॉन 1 प्लस बीपी को बीपी, वीपी, तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी। नाउ ए इज कॉन्स्टेंट, बी इज कॉन्स्टेंट, सो रेशियो ऑफ कॉन्स्टेंट्स विल बी अ कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो ये आपका कॉन्स्टेंट। ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी इंटरेस्टिंग, देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। देखिए, हमसे पूछा जा रहा है, हमारे पास में एक सोल है, आर्सेनिक सल्फाइड सोल, और इस सोल में हमको कोएगुलेशन करवाना है। हमको पता है कि अगर हमको किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशन का कोएगुलेशन करवाना है तो हम वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर रहे हैं, हमसे पूछा गया है कि फॉर आर्सेनिक सल्फाइड सोल बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, सो विच ऑफ दीज विल बी द बेस्ट इलेक्ट्रोलाइट फॉर कोएगुलेशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड सोल। ठीक है, तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आपके पास में, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको चेक कर लेना है कि ये जो सोल जिसको हम कोएगुलेट करवाना चाहते हैं, ये पॉजिटिव सोल है या नेगेटिव सोल है। बिकॉज अगर पॉजिटिव सोल है तो एनायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट हमको कोएगुलेशन करवाने में हेल्प करेगा, और अगर नेगेटिव सोल है तो कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी एक्टिव आयन, तो वो हमको कोएगुलेशन करवाने में हेल्प करेगा। ठीक है, कोएगुलेशन को हम लोग फ्लॉक्यूलेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, आर्सेनिक सल्फाइड सोल कैसा होता है, नेगेटिव सोल। ठीक है, फॉर नेगेटिव सोल इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन जो होता है वो एक्टिव आयन होता है, तो हमारा फोकस चारों ऑप्शन में रहेगा सिर्फ कैटायंस पे। और अकॉर्डिंग टू स्कल्स
आरडी रूल्स। देखिए स्कल्स हार्डी रूल क्या बोलता है, स्कल्स हार्डी रूल बोलता है कि जो एक्टिव आयन होगा, जो एक्टिव आयन होगा उसकी कोएगुलेशन पावर, एक्टिव आयन की कोएगुलेशन पावर, कोएगुलेशन पावर ऑफ एक्टिव आयन ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये प्रोपोर्शनल होगा उसके वैलेंसी पे, ठीक है। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, वैलेंसी ऑफ दैट आयन। तो अगर हम देखें ये नेगेटिव सोल है, नाउ नेगेटिव सोल के लिए, फॉर नेगेटिव सोल एक्टिव आयन विल बी कैटायन। तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके कैटायंस पे कितना चार्ज है इसको हम चेक कर लेते हैं। तो Na पर कितना है +1, बैरियम पे कितना है +2, पोटेशियम यहाँ पर 4 पोटेशियम्स हैं बट एक पोटेशियम पे कितना है +1, ठीक है। और AlCl3, फॉर AlCl3 अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम पे कितना है +3, ठीक है। तो +3 सबसे ज़्यादा आ रहा है, कैटायन में मैक्सिमम वैलेंसी किस कैटायन की है, एल्यूमिनियम की। सो अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, अवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। नाउ इन अवर क्वेश्चन नंबर 3 हमको एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन दे रखा है, ये जो बीकर है इसमें एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन फिल्ड है, ये जो एसिटिक एसिड है इसका वॉल्यूम कितना है सॉल्यूशन का 100 ml, और इसमें हमने चारकोल ऐड करा है। नाउ दिस चारकोल वेज 0.8 ग्राम, ये जो चारकोल है इसका वेट कितना है 0.8 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो चारकोल है उसमें एसिटिक एसिड कुछ एड्सॉर्ब हो जाएगा, ये जो चारकोल हमने ऐड करा इस चारकोल में एसिटिक एसिड का कुछ पार्ट ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एसिटिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया क्योंकि एसिटिक एसिड एड्सॉर्ब हो गया, सो कॉन्सेंट्रेशन जो फाइनल है, जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है आपके सॉल्यूशन का वो कितना है 0.125 मोलर, पहले कितना था 0.3 मोलर, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है वेट ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड क्या होता है CH3COOH, ठीक है, एड्सॉर्ब्ड पर ग्राम चारकोल, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ चारकोल पर कितना एसिटिक एसिड आपका एड्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम लोग चेक करते हैं कि इनिशियली कितने मोल्स थे हमारे पास में, ठीक है, ये आपके पास में इनिशियली, ठीक है, तो इनिशियल मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ मिलीमोल्स क्या होता है, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, सो 0.3 × 100 मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर, तो ये आ गया आपका 30। नाउ फाइनल मिलीमोल्स कितने बचे, सो फाइनल मिलीमोल्स ऑफ एसिटिक एसिड ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.125 × इसका वॉल्यूम अभी भी हम मानेंगे 100 ही है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12.5। नाउ इनिशियल मोल्स इतने हैं, फाइनल मिलीमोल्स इतने हैं, तो मिलीमोल्स एड्सॉर्ब कितने हुए, सो मिलीमोल्स एड्सॉर्ब्ड, ठीक है, यहाँ पर अगर हम चेक करना चाहते हैं कितना एड्सॉर्ब हुए हैं, तो इनिशियल 30 फाइनली इतना, तो एड्सॉर्ब कितना हुआ 30 − 12.5 दैट इज इक्वल टू 17.5 मिलीमोल्स वहाँ पर एड्सॉर्ब हो गए हैं, ठीक है। नाउ CH3COOH, नाउ CH3COOH का मॉलिकुलर वेट कितना है इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास में मिलीमोल्स आए हैं, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है,
तो CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट अगर हम कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा आपका 12 + 3 + 12 + 2 ऑक्सीजन है तो 32 एंड 1, तो ये टोटल करेंगे तो कितना आएगा 60। तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना आ गया 60। ठीक है, तो इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो मोल्स ऑफ CH3COOH एड्सॉर्ब्ड क्या हो जाएगा, तो मोल्स मिली मोल्स हमको पता है 17.5, तो मिली मोल्स से मोल में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ से आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आपसे वेट पूछा जाए तो वेट ऑफ CH3COOH एड्सॉर्ब्ड ये क्या हो जाएगा, 17.5 × 6 × 10⁻³ ग्राम। ओके, नाउ क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट कितना है 60, तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट हमको पता है 60, तो मॉलिक्यूलर वेट से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, उसका वेट इन ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए वेट ऑफ एसिटिक एसिड अपॉन वेट ऑफ चारकोल, नाउ व्हाई वी हैव टेकन चारकोल वेट इन डिनोमिनेटर, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट फॉर 1 ग्राम ऑफ चारकोल। तो जब भी जिसके लिए भी आप 1 ग्राम के लिए चेक करना चाहते हो उसको डिनोमिनेटर में रख देते हो। ठीक है, तो वेट ऑफ चारकोल डिनोमिनेटर में, तो ये कितना हो जाएगा 17.5 × 60 × 10⁻³ होल अपॉन 0.8। ठीक है, ये आपका अराउंड आ जाता है ये आपका आ जाता है अराउंड 1.31। सो आवर आंसर विल बी 1.31। ओके, ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। आइए, ओके, तो
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देख सकते हो डीएनए और प्रोटीन हमको दे रखा है, चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं। नाउ इन हमसे पूछा गया है कि ये जो चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स हैं डीएनए एंड प्रोटीन्स, तो ये चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स किस तरह से हम लोग यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको अलग कर सकते हैं, ये हमसे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन है इलेक्ट्रोफोरेसिस, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रोफोरेसिस याद करेंगे अगर हम लोग, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता था, चार्ज के बेसिस पर अगर हमको सेपरेशन करना है तो हम मेथड यूज़ करते थे इलेक्ट्रोफोरेसिस। थोड़ा आप इसके नाम को भी ध्यान से पढ़ सकते हो, इलेक्ट्रो विच हैज़ समथिंग टू डू विथ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो यहाँ पर अगर हम चार्ज सप्लाई करते हैं तो चार्जेस अलग अलग हो जाते हैं, है ना, पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमको पहला ही ऑप्शन हमारा क्या मिल जाता है, आंसर। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एक तरीके का फिजिकल मेथड है। इस मेथड में हम लोग कंटिन्यूसली एक ही डायरेक्शन में किसी भी कोलाइडल सॉल्यूशंस को या फिर किसी भी सॉल्यूशन को रोटेट करते हैं, स्टिर करते हैं। और फिल्ट्रेशन आपको पता है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स हम किसी सॉल्यूशन को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास में हमसे ग्राफ पूछा है लॉग एक्स बाय एम वर्सेस लॉग ऑफ प्रेशर का फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के लिए। ठीक है, नाउ फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के पहले हम लोगों को उसका रिलेशन पता होना चाहिए, और वो रिलेशन क्या होता है, एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी का पावर 1 बाय एन। एक्स बाय एम इज इक्वल टू के पी टू दी पावर 1 बाय एन। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो रिलेशन है इसको अगर हम देखें तो हमको लॉग ऑफ एक्स बाय एम पता करना है। तो हम दोनों साइड अगर लॉग लें तो लॉग ऑफ एक्स बाय एम इज इक्वल टू लॉग ऑफ के प्लस लॉग ऑफ पी टू दी पावर 1 बाय एन। तो 1 बाय एन बाहर आएगा लॉग के, और क्या बनेगा, लॉग ऑफ पी। ठीक है, तो y एक्सिस पे हमने रखा है इसको, तो ये हो गया y। x एक्सिस पे रखा है log p, तो 1 बाय एन इंटू एक्स प्लस ये कांस्टेंट हो गया c। तो अगर हम इसको कंपेयर करें हमारे एक्सप्रेशन से, अगर हम इसको कंपेयर करें तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, और y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है वो किस टाइप का होता है, इस टाइप का। और स्लोप क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो स्लोप यहाँ पे 1 बाय एन है। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए ओके, तो आज के लिए, इस लेक्चर के लिए इतना ही। इसके बाद में फॉर कंटिन्यूस अपडेट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।